सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 7 से सर्वनाम पढ़ा चुकी थी। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं उसकी परिभाषा आपको बता चुकी थी हम। अब मैं आपसे सर्वनाम से रिलेटेड आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगी, जिसको आप खुद भी बना सकते हैं, और बहुत बच्चे पास बुक नहीं इसलिए खुद हम उसका सॉल्व आंसर करके आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, पहला है कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। क गैस कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, तुम और आप। यहाँ पर हाँ क्या है डैश कहाँ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में से उचित सर्वनाम शब्द छांट कर वाक्य को पूरा कीजिए। यानी कि कोई भी ऐसे दो शब्द है यहाँ पर, तुम और आप। यहाँ पर पढ़िए पहले ध्यान से कि यहाँ किसके लिए कह रहा है, दूर के लिए, यानी बहुवचन के लिए, एकवचन के लिए, चाहे रिस्पेक्ट करने के लिए, क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। डैश कहाँ जा रहे हैं, है यानी कि बहुवचन, यहाँ पर बिंदु है बहुवचन, यानी कि किसी को हम तुम कहाँ जा रहे हैं ऐसे ठीक नहीं लगेगा, नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ख डैश विद्यालय विद्यालय में आज अवकाश है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में आपको दे देते हैं ऑप्शन, यह है हमारे और हम, हमारे और हमें, यहाँ पर क्या है डैश विद्यालय में आज अवकाश है, यानी कि अवकाश मतलब क्या था छुट्टी, यानी कि आज हमारे विद्यालय में, तो हमारे विद्यालय में ना, हमें विद्यालय में आज अवकाश है, नहीं, तो हमारे विद्यालय, हमारे विद्यालय। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं ग डैश मुंबई डैश मुंबई में रहता हूँ, रहता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देते हैं मैं या आप। यहाँ पर क्या है डैश मुंबई में रहता हूँ, आप मुंबई में रहता हूँ, नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं का सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होगा, मैं मुंबई में रहता हूँ। फिर से अगर पढ़ लेते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं,
यहाँ पर तुम अगर तुम कहाँ जा रहे हैं ये सब सही रहेगा नहीं, यहाँ पर रिस्पेक्ट देने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं ये सब रहे। यहाँ पर हमारे विद्यालय में आज अवकाश है यानी कि हमारे विद्यालय में छुट्टी। मैं मुंबई में रहता हूँ, क्या है मैं मुंबई में रहता हूँ। यहाँ पर आपको दो दो ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको सही ऑप्शन ढूंढ कर लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम लिखाते हैं चौथा, अनु ने अपने अपने जन्मदिन पर गैस उलाया है। यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, किसे आप, इसे आप। यहाँ पर क्या है, अनु ने अपने जन्मदिन पर डैश बुलाया है यानी कि किसे बुलाया, आपे किसे आपे बुलाया है। यहाँ पर क्या होगा, अनु ने अपने जन्मदिन पर आप बुलाया है नहीं, यानी कि अनु ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया है, यहाँ पर होगा किसे बुलाया है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आएगा, अच्छे से उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर बनाने यानी कि सर्वनाम का दूसरा नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटिव हम दे रहे हैं, आप चाहें तो अगले भी आप आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। नीचे बॉक्स बॉक्स में कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इन्हें अलग कीजिए। इन्हें अलग अलग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, नीचे बॉक्स में कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग कीजिए। यहाँ पर हम आपको एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में कुछ संज्ञा और सर्वनाम शब्द दें, ठीक है बच्चों। जैसे श्रेया, श्रेया मैं आपने गंगा शेर उन्होंने उन्होंने मेरठ वे। अब हमने यहाँ पर क्या करना था, संज्ञा और सर्वनाम शब्द को अलग अलग करना था। यहाँ पर हम लिख देते हैं संज्ञा
और यहाँ पर लिख देते हैं सर्वनाम, सर्वनाम। ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर लिखा था नीचे बॉक्स में कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द दिए गए, इन्हें अलग अलग कीजिए। यानी कि यहाँ हमने बॉक्स में दोनों सर्वनाम और संज्ञा शब्द दोनों लिखे, अब इसमें से हमें संज्ञा अलग छाट के लिखना और सर्वनाम शब्द अलग लिखना, ठीक है। तो श्रेया, श्रेया क्या है, श्रेया नाम है यानी संज्ञा। श्रेया, मैं क्या है, सर्वनाम शब्द, मैं सर्वनाम शब्द। अब हम चलते हैं आपने, आपने कौन सा शब्द है, आपने, आपने क्या हो गया सर्वनाम शब्द, आप ने, आपने। गंगा, गंगा क्या है, यानी कि गंगा संज्ञा शब्द, ठीक है। अब है शेर, शेर भी क्या होता है, शेर क्या होता है, चीता, यानी कि कोई जानवर का, तो ये है शेर संज्ञा शब्द। उन्होंने, उन्होंने दूसरे के लिए, तो इसलिए उन्होंने सर्वनाम शब्द हमारे, उन्होंने। फिर है मेरठ, मेरठ क्या है, जगह का नाम, मेरठ, मेरठ, मेरठ क्या है हमारा, जगह का नाम। वे क्या है, सर्वनाम शब्द। अब हम फिर से पढ़ लेते हैं, नीचे बॉक्स में कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग कीजिए। तो इसमें हमने सर्वनाम शब्द लिखे थे जिसमें संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी प्राणी का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो भी जो व्यक्ति, वस्तु यानी प्राणी, किसी भी चीज के बारे में हो उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम, नाम की जगह हो गया मैं, किसी दूसरे के लिए हो गया तो आपने, किसी को रिस्पेक्ट तो उन्होंने, दूसरे के लिए, दूर कोई खड़ा तो उसके लिए वे सब, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आपको पार्ट सेवन से तीसरा नंबर बताने, पहला दूसरा हमने बता दिया, तीसरा किसी, सॉरी, निम्नलिखित निम्नलिखित सर्वनामों शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हम आपको कुछ सर्वनाम शब्द देंगे, उसका है क्या कि अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखना, यानी आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, हम भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ है हमारा वाक्य, किसे, यहाँ किसे क्या है, सर्वनाम शब्द है। हमें, सॉरी, यहाँ पर रोहन ने किसे घर पर खाने के लिए बुलाया है। यहाँ
यहाँ पर क्या है, किसे? तो रोहन ने किसे घर पर खाने के लिए, खाने पर बुलाया? सॉरी, यहाँ पर रोहन ने किसे घर पर खाने पर बुलाया है, यानी किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को किसे खाने पर बुलाया है? ख, उसे, उससे, उसे पढ़ाई करना अच्छा अच्छा लगता है, यानी कि दूसरे के लिए हो रहा है क्या? उसे, उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, ठीक है? ग, ग है हमें, हमें ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक कार्य करनी चाहिए, यानी कि हमें कोई भी कार्य, यानी कि कोई भी कार्य, कोई काम हो तो हमें ध्यानपूर्वक कार्य करनी चाहिए। अब हम चलते हैं चौथा। तुझे, सॉरी यहाँ तुझे, तुम, मैंने, मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी, यानी कि मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी, ठीक है बच्चों? ये क्या हो गया हमारा सर्वनाम, सब शब्द हो गए, उनसे हम कोई अपने तरीके से एक वाक्य बनाए। आप भी क्यों, कोई और भी वाक्य बना सकते, जरूरी नहीं ये भी वाक्य, पर हम आपको एक वाक्य बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं चौथे नंबर, चौथा नंबर भी आपको बता देते हैं। ये आपका क्या है, सर्वनाम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? जिसे आपको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, पर बुक न रहने की वजह से हम खुद आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है बच्चों? चौथा, निम्नलिखित, निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम, सर्वनाम शब्द ढूंढकर, ढूंढकर लिखिए। इसमें हम एक वाक्य देंगे, उसमें से आपको एक सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द हो उनको ढूंढकर अलग लिखना है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ हम वाक्य लिखते हैं, यह पेंसिल, पेंसिल किसकी है, यह पेंसिल किसकी है? तो ये क्या हो गया, किसकी हमारा क्या हो गया, सर्वनाम शब्द, किसकी, किसकी हमारा हो गया सर्वनाम शब्द, यानी किसकी पेंसिल है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। दूसरा, तुम बहुत ही आलसी हो, तुम बहुत
ही आलसी हो, तुम बहुत ही आलसी हो। इसमें क्या हो गया, तुम हमारा सर्वनाम शब्द। क्या है, तुम बहुत ही आलसी हो, तो तुम दूसरे के लिए हो रहा है, यानी कि तुम बहुत ही आलसी, तो तुम हमारा क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। तीसरा, मुझे अभी विश्राम करने दो। क्या गया, मुझे 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 अभी विश्राम करने दो। तो ये इसमें क्या हो गया, मुझे हमारा हो गया सर्वनाम शब्द। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं चौथा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या हमारा, क्या हमारा हो गया, क्या प्रश्नवाचक संज्ञा, यानी कि सर्वनाम शब्द हो गया। आप क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, ये हम सर्वनाम से लेकर के आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, आज से उतारिएगा और समझ आ गया होगा, याद भी कीजिएगा। धन्यवाद।